यो गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग YouTube चैनल रिव्यू रिलोडेड। काफी रिक्वेस्ट आई थी इस वाली वीडियो के लिए कि डॉग को बॉल लाना कैसे कर, जैसा कि आप साइड में देखो पहले कि वो वीडियो कौन सी थी जिसको पति डिमांड आई है। तो जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो, मैं बॉल फेंकता था और लेके आती थी, तो इस वीडियो काफ़ी डिमांड आ रही थी। देखो पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इंटरनेट पे आप काफ़ी सर्च करोगे तो भी आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग की अच्छी सी वीडियो नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं मिली थी स्टार्टिंग में जब मैंने देखी थी, लेकिन इस ट्रेनिंग को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कराया, अपने थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैं आपको तीन ट्रेनिंग बताने वाला हूँ डॉग की, जिन तीन कमांडों को मिला के ये एक कमांड बनेगी जिसमें डॉग आपको बॉल लेकर आएगा। सुनने में आप बोलोगे तीन कमांड हैं, लेकिन सुनने में ये बहुत ईजी कमांड्स हैं। आप सुनोगे, इनफैक्ट अगर ये तीन कमांड और एक टोटल तीन कमांड मिला के बनेगी चौथी कमांड जिसमें डॉग बॉल लेके आएगा, तो मतलब चार कमांड। अगर ये वीडियो आप देखते हो और ये ट्रेनिंग आप देते हो तो आपका डॉग एटलीस्ट चार ट्रेनिंग तो इसी वीडियो आज की वीडियो से ही आ जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको वो तीन कमांड कौन सी हैं छोटी छोटी जिनको जोड़ के ये कमांड बनेगी। बस फर्स्ट स्टेप ये है वीडियो का कि सबसे पहले हमें डॉग को ये बताना है कि भाई आपको बॉल लेके आनी है। बॉल लेके आने के लिए क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए वो बॉल के अंदर। आप जैसे ये है रॉक्सी, देखो जैसे मैं बॉल इधर ले जा रहा हूँ ये बॉल की तरफ देख रही है, भग रही है। तो ऐसे ही आपको डॉग को करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना खास, बहुत से लोगों के डॉग तो खेलते ही हैं बॉल से, इसमें आपको करना सिर्फ ये है, अगर आपका डॉग बॉल से नहीं खेल रहा है रॉक्सी डॉग, तो आपको सिर्फ करना ये ऐसे मारना है उसके सामने, ऐसे मारना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो खुद ऐसे भगेगा बॉल के पीछे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए बॉल के अंदर, वो तभी बॉल की तरफ जाएगा ना। तो पहला स्टेप तो ये छोटा सा था, चलो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। और इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो ये मेरी साइड में इंस्टाग्राम आईडी है, इसका कोई फॉलो कर लो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और एक मेरा सेकंड गेमिंग चैनल भी है, उसका नाम भी आ रहा होगा, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई दूसरा स्टेप ये है कि काफ़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि डॉग आपको बुलाने पर आता नहीं है, लाइक बॉल में इंटरेस्ट भी आ गया, फेंक दी बॉल की तरफ, भग भी गया, लेकिन हुआ क्या वो आ नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम दूसरा स्टेप लेंगे कम की कमांड, मतलब उसके मतलब हाउ टू टीच योर डॉग कम, मतलब आपकी आवाज़ में वो कैसे आए वापस लौट के। तो इसमें क्या करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आओ मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है। अब चलते हैं कम वाली कमांड पे। तो आप कैसे बुलाएंगे, जैसे मैं अपने डॉग को हमेशा बुलाता हूँ, मोस्टली तो लोगों के जो डॉग्स होते हैं वो कम की कमांड पे आ जाते हैं, आप बुलाते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी आते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, रॉक्सी कब ऐसे कम, आपको ट्रीट देनी है कम। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा मतलब समझ में आएगी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं कम की। रॉक्सी कम, तो भाई जैसा आपने वीडियो देखा, आपको भी इस तरीके से घर के अलग अलग कमरे में अलग अलग जगह जाके इसको बुलाना है डॉग को, और जैसे ही वो आ जाए कम बोल गुड बोल के ट्रीट दे देनी है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अच्छा जी, तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, बॉल में इंटरेस्ट भी हो जाएगा, बॉल फेंक भी दोगे, डॉग जाएगा उसे उठा भी लेगा, आपको बुलाने से आ भी जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तीसरा स्टेप यही है। सबसे पहले चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक है, तो हाउ टू टीच योर डॉग स्टे, और उस वीडियो को जरूर देखो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे अपने डॉग को सिखा सकते हैं कि वो मतलब स्टे करे या फिर वो लीव करे ऐसी चीज़ों को जो आप नहीं चाहते, लाइक बॉल, बहुत सी बार डॉग कम करके उठा लेता है, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो वीडियो देखनी है। हालांकि उसका एक छोटा सा डेमो मैं इस वीडियो में आपको देता हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपको अपने डॉग को स्टे करना सिखाना है और लीव करना सिखाना है। जैसे कि ये बॉल में चाहते हैं लीव करे, नो 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 इधर आओ, नो सिट डाउन सेट अप। तो आपको क्या करना है, आपको उसको बॉल देनी है, कोई भी चीज़ देनी है और हाथ से ही पकड़ के रखनी है, छोड़नी नहीं है, हाथ से पकड़ के रखनी है, आपको पता चल जाएगा उसने भी पकड़ ली। ऑप्शन नो नो गुड, देखो उसने छोड़ा। स्टार्टिंग में आपका डॉग जल्दी नहीं छोड़ेगा, वो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ, दो सेट अप, वो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ करने की। तो आपको क्या करना है, मैंने हाथ में बॉल ले रखी, आप रस्सी भी ले सकते हो इस ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ बॉल देखो वो पकड़ रहा है, नो जैसे वो हल्की पकड़ डीली करे तुरंत ट्रीट दे देनी है और गुड बोल देना है, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे से करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो एक बार में ही छोड़ देगा, होल्ड देखो पकड़े, नो देखो अलग हट गई, ठीक है। तो उसको ट्रीट दे देना है, गुड बोल देना, वो तो समझ जाएगी कि मुझे करना क्या है। आप चलो ठीक है, जब आप काफी बार ये चीज कर लोगे तो सिट डाउन, नो डाउन नीचे बैठो। तो आपको क्या करना है, बॉल पूरा उसको दे देना है और फिर आप जैसे पूरी उसके पास है, रॉक्सी नो नो देखो उसने वहां पर छोड़ दी, उसने वहां पर छोड़ दी, गुड आपको ऐसे करके ट्रीट दे देनी है,
तो ये होता है तरीका लीव कराने का। तो अब तीनों, चलो तीनों, तो चलो अब तीनों चीजों को मिलाते हैं। सबसे पहले कॉल में इंटरेस्ट है रॉक्सी का, ठीक है, देखो है इंटरेस्ट, ठीक है। अब बहुत करता हूँ, रात दो भी कर दूंगा, अब मैं इसे बुलाऊंगा, ठीक है। रॉक्सी का नो 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 नो, देखो इसने बॉल छोड़ दी, आपने देखा बॉल छोड़ दी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आपको साइज सही से समझना है। तो इधर आओ, तो सबसे पहली चीज आपको बॉल लेनी, इंटरेस्ट है ऑलरेडी आपका बॉल में, आपको बॉल फेंकनी, गो, फिर बोल रहे हैं रॉक्सी कम कम नो और फिर नो, तब उसने बॉल छोड़ दी, बॉल छोड़ दी, और गुड प्लीज बोल दे। ये चीज मैंने खुद ही अपने तरीके से इसको सिखाई है। बहुत सी बार जब आप ये ट्रेनिंग करते रहेंगे 20-25 दिन महीने बार हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा डॉग आपके हाथ में आके बॉल देने लगेगा, क्योंकि उसको पता है हाथ से ट्रीट मिल गया तो उसके ही पास आएगा। तो ये एक सही तरीका है। तो ये ट्रेनिंग मैंने खुद से ही बनाई है अपने दिमाग से, 3 कमांड मिला के, आई होप आपको अच्छी लगी। लेकिन जो वो वीडियो मैं बता रहा हूँ जो आई बटन पे थी, और लिंक भी नीचे मिल जाएगा वीडियो के, उसे जाके जरूर देख लेना, कि वो वीडियो जो तीसरा हिस्सा होता है ना, बुलडॉग बॉल नहीं छोड़ता, उसके लिए बहुत सही रहेगी। और देखो मैंने इसमें 3 कमांडें बता दी आपको, सिखा दी, एक तो बॉल लीव की, कम की, और एक डॉग के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेक श्योर एक लाइक देके जरूर जाना, और वो वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी हेल्प लगेगी आपको उस वीडियो को देखने के बाद। तो इस तरीके से आपका डॉग बॉल फैच द बॉल या ब्रिंग द बॉल, जो आप जो भी चाहोगे ना वो खेलना सीखेगा, और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है एक दिन में सीख जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देके जाना,